हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। भाई प्रॉपर्टीज एल हॉस्पिटल एक्सपेंशन से काफी आसान है, तो जरूरत नहीं है फिलहाल डिस्कस करने। सो लेट्स सी प्रॉपर्टी से कैसा हुआ है क्वेश्चन। कॉस अल्फा रेस टू एक्स माइनस साइन अल्फा रेस टू एक्स माइनस कॉस टू अल्फा अपॉन एक्स माइनस फोर अंडर एक्स टेंडिंग टू फोर। सॉल्यूशन देखने से पहले वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हो, तो लेट्स सी सॉल्यूशन इसका क्या रहेगा। मैं खुद से सॉल्व कर लिया हो तभी देखो। आपको पहले थोड़ा फंक्शन समझना पड़ेगा कौन सा। तो टर्म वाले ट्रिग्नोमेट्रिक दिख रहे हैं नहीं, क्योंकि फंक्शन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में देखना हो, वेरिएबल अभी x है, तो x के रेस्पेक्ट में देखा तो a रेज टू x जैसा फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तो आपको ये लिमिट आती है a रेज टू t माइनस वन अपॉन t अंडर t टेंडिंग टू जीरो। तो t का रोल यहाँ पे प्ले करेगा x माइनस फोर। तो नीचे तो t है, बस ऊपर a रेज टू t माइनस वन टाइप के टर्म्स आपको लाने हैं, तो उसमें आपको थोड़ा खुद से दिमाग लगाना है। तो देखो यहाँ a रेज टू x तो है, a बोले तो cos अल्फा हो गया भी। अगर this रेज टू 4 और होता तो x माइनस फोर क्रिएट किया जा सकता था उससे। तो आपको अब यहाँ पूरा दिमाग इसी बात में लगाना चाहिए, क्या कहीं से भी कैसे भी करके cos रेज टू 4 अल्फा आ जाए तो बात बन जाए। तो cos रेज टू 4 अल्फा का आपको यहाँ थोड़ा सोचना है खुद से। एंड जस्ट लाइक दैट यहाँ पर sin अल्फा रेज टू x है, तो उसमें भी वही बात है, sin अल्फा रेज टू 4 की जरूरत आपको पड़ेगी। तो यहाँ आपको ये सोचना है कि cos रेज टू 4 अल्फा और sin रेज टू 4 अल्फा कैसे आए, इन टर्म्स को कैसे लाना है। इस बात की हिंट इसी बात में है, जब आप शुरू में ये देख रहे हो कि लिमिट किसकी क्लोज है, इंडिटर्मिनेंट फॉर्म देखते टाइम पे ही आपको दिख जाएगा कि अच्छा वो 4 रेज टू 4 कहां से आएंगे। क्योंकि जब x 4 के क्लोज है तो ये cos रेज टू 4 के क्लोज है और ये sin रेज टू 4 अल्फा के क्लोज और वो cos 2 अल्फा है कांस्टेंट। अब आप यहां पर ये किसके क्लोज है ये पूरा अब आप निकालने के लिए क्या करोगे, थोड़ा ट्रिक लगाओगे। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि कॉस टू अल्फा है, इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा जो कि वन है। तो इस टर्म को आप ऐसे करके कॉस टू अल्फा लिख दोगे। तो अभी आपको ये समझ में आना चाहिए, जब ये टर्म कॉस टू अल्फा हो रही है तो कॉस टू अल्फा भी ये हो सकता है। तो यहाँ पर यही ट्रिक है कि इस cos 2 अल्फा को आप cos रेज टू 4 अल्फा माइनस sin रेज टू 4 अल्फा रखो। बस अभी हो गया, अभी बस एक छोटी सी ट्रिक और है जो अभी आपको आगे करना है। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ, ऐसे ये हो गया cos अल्फा रेज टू 4 सॉरी रेज टू x माइनस cos अल्फा रेज टू 4 माइनस साइन अल्फा रेज टू एक्स माइनस साइन। तो कॉस कॉस के टर्म और साइन साइन के टर्म एक साथ लिख दिया मैंने अपॉन। तो आपको तो ए रेज टू टी माइनस वन चाहिए था, तो उसके लिए ट्रिक ये इस पूरे टर्म को कॉमन ले लो। तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये कांस्टेंट है और ये a रेज टू t माइनस 1 अपॉन t जैसा है, t इज x माइनस 4 और t 0 के क्लोज है। तो ये पूरा किसके क्लोज है हम जानते हैं, स्टैंडर्ड लिमिट ln a के क्लोज होगा, बोले तो ln cos अल्फा के क्लोज, सेम उसके स्टोरी वो ln sin अल्फा के क्लोज होगा। तो ये पूरा फंक्शन इसके क्लोज है। So this is the answer of this question. L-hospital rule से तो एक झटके में आंसर आता, काफी फास्ट आ जाता वहां से इसका आंसर। एंड एक्सपेंशन से भी आसान है, एक्सपेंशन से आप करना चाहते हैं तो x को 4 प्लस t रखो, आराम से हो जाएगा वो क्वेश्चन सॉल्व। थैंक यू।